तो गाइज इस बोर्ड के जो कनेक्शन हैं वो मैंने जो पिछली वीडियो है उसके अंदर भी मेंशन किया था कि कैसे कैसे करने हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है थर्मिस्टर की कि थर्मिस्टर के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करने हैं, तो इसी वीडियो में वही बताऊंगा। और एक दो चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कुछ बंदे इसमें जो ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं इनको देख के बोलेंगे कि सर हमको ये वाला चाहिए। तो पिछला जो अपना बोर्ड था वो था 5198 और 1941 के साथ में, तो वो 680 रुपये का था। तो अगर आपको 2SC5200 या 2SA1943 के साथ चाहिए तो ये जो बोर्ड है ये आपका कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस बोर्ड की कुछ स्पेक्स वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, मैं इसके अंदर बस कनेक्शन आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे करने हैं। हालांकि इसकी जो टेस्टिंग वीडियो है वो भी जल्दी ही आने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफार्मर जो है वो डायरेक्ट इस पर नहीं लगाना है आपको। ज़्यादातर ये जो बोर्ड है वो लोग खरीद रहे हैं जो कन्वर्टर वगैरह पे इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे 3030 या 3500 वोल्ट DC यहाँ पे लगानी है, प्लस माइनस यहाँ पे 70 जो अपना लिखा हुआ है और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको 7070 नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये यहाँ तक झेल सकता है, मतलब यहाँ तक के ऑपरेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जो आपके ट्रांजिस्टर हैं जो आपकी जो हीट सिंक है वो भी काफ़ी हैवी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए इस पे 3500 का जो कन्वर्टर है वो यूज कर सकते हो आप, या फिर आपको ट्रांसफार्मर यूज करना है तो 2024 या 3030 का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको फिर इसके लिए जो पावर सप्लाई होती है जो AC से DC में कन्वर्ट करती है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है लोगों को वो ये आ रही है कि जो थर्मिस्टर है अपना इसके कनेक्शन उनको नहीं करने आ रहे हैं, क्योंकि थर्मिस्टर के कनेक्शन मैं करके नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थर्मिस्टर अलग से मैं दे देता हूँ लोगों को। तो कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पॉइंट हैं अपने दो, यहाँ पे जो वायर है वो आपको अटैच कर लेनी है। तो उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे एक थर्मिस्टर जो कि अपना देख सकते हो, ठीक है। ये थर्मिस्टर मैं साथ में ही दे रहा हूँ बोर्ड के, जो अपना 680 रुपये का जो बोर्ड है उसके साथ में ये आप लोगों को दे रहा हूँ 680 में ही। तो इस तरीके से इसके ये जो कनेक्शन है ये करने हैं। जब तक ये थर्मिस्टर को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक जो आपका बोर्ड है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो थर्मिस्टर है इसको लगा लो, और जो हीट सिंक है उसके ऊपर इसको माउंट करना है, ताकि मान लो जो आपका बोर्ड है अगर वो गर्म होता है तो ये जो थर्मिस्टर है ये उसको कट ऑफ कर देगा, और जैसे ही ठंडा होगा बोर्ड वैसे ही ये चलने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज इसके जो कनेक्शन है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे हैं ये अपने स्पीकर के आउटपुट के लिए, तो इस पे तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है इनपुट के लिए, और ये है अपना फ्यूज वगैरह। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।